अरे बस बस बस। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब इसकी जो राइड है वो बहुत ही अलग है। जब ये चलती है, अभी फिलहाल ये इस कंडीशन में जो है, जब ये चलती है तो ऐसे ऐसे होती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर मजा आ रहा है गाइस। लेकिन गाइस ये जो है गाड़ी नहीं है, ये जो है गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि गाड़ी का जो रियर सेक्शन है वो है। हमने गाड़ी के दो टुकड़े कर डाले थे, एक टुकड़ा यहाँ पर खड़ा है जो कि हमने मिनी कार बनाई थी, और दूसरा जो पीछे का हिस्सा बचा वो गाइस यहाँ पर खड़ा हुआ है। हमने लंबी कार बनाई थी तो उसी का यहाँ पर जो है ये वाला आपको कंकाल भी दिखेगा। तो गाइस आज हम लोग कुछ बहुत ही अलग करने वाले हैं इस बचे हुए हिस्से के साथ में, जो गाड़ी का पीछे का पोर्शन बचा है इसके साथ में आज एक ऐसी चीज करने वाले हैं जो कि हमने भी पहले तो नहीं सोची थी और शायद आप लोगों ने भी नहीं सोची होगी। गाइस आज हम इस चीज को जोड़ने वाले हैं एक ऐसी चीज में, बाइक के अंदर। बंद कर दो गाइस। आज पहली बार बाइक में गाड़ी जुड़ने वाली है और आई डोंट नो कि ये कितना काम करेगा, कैसा दिखेगा, कितने लोग इसमें बैठ पाएंगे, क्या ये कुछ काम चलाओ जुगाड़ बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो करके ही पता चलेगा। क्योंकि गाइस हमारा तो काम ही यही है आपको कुछ नया नया दिखाना, आपके लिए डेली कुछ नया नया लेके आना। तो गाइस देखते हैं कि कैसे हम बाइक के अंदर एक गाड़ी को फिट करेंगे, क्या उसका नाम रखेंगे। इसका नाम हम जो है कुछ भी रख सकते हैं, बाइक कार रख सकते हैं, कार बाइक रख सकते हैं, मतलब कार बाइक अलग अलग नहीं, एक में ही जब मिल जाए वो, या फिर किक वाली बाइक भी इसको जो है कुछ लोग कह सकते हैं। किक मूवी में कुछ ऐसा कुछ दिखा था लेकिन ये उससे थोड़ा अलग बनने वाला है। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग गाइस इस वीडियो के लिए लाइक का बटन से उसे दबा देना। इस वीडियो का टारगेट थोड़ा सा बढ़ा रहा है, इस वीडियो के ऊपर टारगेट है 1.6 मिलियन लाइक्स का, यानी कि सिर्फ 16 लाख लाइक्स का। गाइस सबसे पहले तो लाइक ठोक दो, उसके बाद में वीडियो के मजे लो। निकालो। गाइज ये जो एक्सटेंशन है ये तो हमने इस गाड़ी को लंबा करने के लिए बनाया था, अभी इसका कोई भी यूज नहीं है, तो हम जो है यहां से इस एक्सटेंशन को काट देंगे। लेकिन ये जो हमारी काफी मदद भी करने वाला है, क्योंकि ये जो है एक इनबिल्ट चेसी बन गया है ऑलरेडी, जो हमने पहले बना लिया है, और ये जो है बाइक में फिट करने के लिए एक बढ़िया स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे देगा। तो यहां से इसको पहले उड़ाते हैं लोहे को। चलो गाइज अभी तो ये जो गाड़ी है इसको ऐसे उठा के लेके चलना पड़ता है। चलो चलने दो। बस गाइज रात में शूट चल रहा है। गाइज यहाँ पर जो है बाइक के पीछे जो है कुछ जोड़ा जा रहा है ताकि बाइक को गाड़ी में जोड़ा जा सके, और रात हो रखी है। The next day. So guys, finally, 2 दिन के काम के बाद में जो हमारी गाड़ी है या फिर जो बाइक है या फिर आप जो भी कहना चाहें वो तैयार हो चुकी है। और गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या हमने बनाया है। कुछ अजीब सी चीज बनी है, देखने में आपको लगा यार ये क्या है, थोड़ा अलग थलग सा, मतलब बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है, लेकिन गाइस बहुत ही मजेदार है। तो आपको दिखाते हैं गाइस, यहाँ पर है हमारी कार बाइक जो भी आप कहना चाहते हैं गाइस यहाँ पर। यहाँ पर हमने बाइक के पीछे गाड़ी को अटैच कर दिया है, और जो गाड़ी है वो पूरी गाड़ी भी नहीं है, जो बाइक है वो पूरी बाइक है, लेकिन गाड़ी जो है उसका सिर्फ पीछे का हिस्सा है, यानी कि गाड़ी का जो इंजन है वो हटा करके बाइक को ही एज एन इंजन हमने लगा दिया है। अब ये कितना काम करेगी, किस तरीके से चलेगी, वो तो आपको अभी दिखाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या किया है, कैसे इसको बनाया है, और मतलब मेरे हिसाब से मुझे क्या इसके लिए जो है उम्मीदें। तो गाइज सिंपली हमने क्या किया है, गाड़ी का पीछे का हिस्सा था ये सब हटा वटा के, जो भी इसमें एक्स्ट्रा सामान लगा था उसको हटा के यहाँ पर हमने जो बाइक का चेसी होता है उसको और एक्सटेंड कर दिया इन लोहे के मोटे मोटे पाइप से दोनों साइड लगा करके, और इनको गाड़ी का जो चेसी है नीचे उसके अंदर हमने फिट कर दिया।
उसकी वजह से बाइक जो है वो गाड़ी के साथ में जुड़ गई, साथ में यहाँ पर मजबूती भी आ गई। ये वाले जो पिलर्स थे पहले हम इनको हटा रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार ये इसके स्ट्रक्चर को काफ़ी स्ट्रेंथ देंगे, तो इसलिए हमने इनको भी रख लिया। यहाँ पर एक प्लाईबोर्ड भी लगा दिया ताकि इस गाड़ी के ऊपर चढ़ने में आसानी हो, इसके ऊपर हम इजीली बैठ भी सके सीटों के ऊपर, और साथ ही साथ में ये पूरी स्ट्रक्चर को भी जो है बहुत बढ़िया से रोक के रखेगा। यहाँ पर स्क्रूज़ वगैरह कसे हैं, इसमें वेल्डिंग भी करी है, स्क्रूज़ भी कसे हैं, काफ़ी कुछ किया, और लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो हमने पेंट भी मार दिया इसके ऊपर, इसी वजह से ये जो है एकदम चमचमा रही है फिलहाल। दोस्तों आप लोग एक बार खुद ही देखो यार, इसका जो लुक है वो कितना अजीब सा लग रहा है कि आगे भाई के पीछे गाड़ी है। मैं जब भी इसको हर बार देखता हूँ ना, हर बार लगता है यार ये क्या है, लेकिन बनाया हम नहीं है। इस साइड में गेट नहीं है, उधर गेट है, दोनों फीलिंग देने के लिए एक बार इस साइड में भी आ जाओ गाइस। इस साइड में जो गेट है वो प्रॉपरली यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जो है बढ़िया से खुलता भी है, बढ़िया से बंद भी होता है। होगा गाइस, होगा, बढ़िया से होगा, अभी कर देंगे इसको। इसका ये जो है वो थोड़ा सा अटक गया गाइस, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बंद होता है, ये खोलने से पहले भी बंद था ना। चलो चलो जाने दो। हाँ भाई, राम 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 भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर एक बस हमको मिली जिसमें बहुत सारे बच्चे और सारे लोग हमको हाय कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस करते हैं बाइक को स्टार्ट और देखते हैं कि ये कैसी चलती है। अभी तक सब ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर जो गाइस जगह रखी गई है, स्टैंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो बिना स्टैंड के बाइक खड़ी है, पीछे जो है सपोर्ट मिल रहा है, पीछे जो दोनों टायर है वो सपोर्टर का काम भी कर रहे हैं साथ के साथ ही। तो अब गाइस करते हैं बाइक को स्टार्ट, और बाइक हो गई है स्टार्ट, चले गाइस देखते हैं कैसा काम करती है। अरे यार जो स्टेयरिंग है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है गाइस, चल तो गई है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि स्टेयरिंग का कुछ असर ही नहीं हुआ, ये जिधर जा रही है उधर ही जा रही है। चलो थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, देखो स्टेयरिंग घुमाने से जो पूरी गाड़ी है वो इधर उधर झुकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने देते हैं गाइस, पीछे कुछ नहीं आ रहा है। ओए गाइस सोचो कि मैं कैसी बाइक चला रहा हूँ जिसके पीछे गाड़ी अटैच्ड है, और ये काम बहुत बढ़िया से कर रही है, क्या बात है। गाइस 15 की स्पीड है अभी, अब ये 20 की स्पीड पे चल रही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत स्मूथ चल रही है। और यार ये तो उल्टी साइड कट रही है, लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये जो है पूरा जुगाड़ कितना बढ़िया से चल रहा है। सामने से गाड़ी आ रही है गाइस, तो मैं इसको रोक लेता हूँ, बाइक के ब्रेक्स ही काम कर रहे हैं एकदम बढ़िया से। अरे वाह गाइस गाड़ी बिंदास चल रही है भाई साहब, गाड़ी एकदम मक्खन चल रही है, बस थोड़ा सा स्टेयरिंग जो है ना वो कभी कभी दूसरे साइड में घुमाना पड़ रहा है, जब गाड़ी को इधर घुमाना तो स्टेयरिंग को इधर कटाना पड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक काम कर यार, एक बंदा पीछे बैठ जाओ ना, एक बार पीछे बैठ जा, आ जा आ जा, नहीं एक 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 एक, एक बंदा हाँ। तो गाइस देखते हैं कि अब ये कैसी चलती है, लेट्स सी। वाओ गाइस अभी फिलहाल ये जो है एक सवारी को लेके चल रही है। लेकिन जब मैं थोड़ा फ्री माइंड रिलैक्स होके चला रहा हूँ तो तब ये जो है अच्छी चल रही है, झटका है झटका है, अरे निकल गई। एक बात और भी है, गाड़ी के जो पीछे के सस्पेंशन है ना वो एकदम मस्त काम कर रहे हैं, इसका जो स्टेयरिंग है वो थोड़ा ऐसे ऐसे करता है, कभी कभी वॉबल कर रहा है, लेकिन भाई साहब सोचो कि हमारा बनाया हुआ जुगाड़ जो है वो काम कर रहा है। देखो उल्टा घुमाना पड़ रहा है मुझे इसको, देखो ये देखो, लेकिन काम कर रहा है भाई, मजा जो है वो इसमें कुछ अलग ही आ रहा है, क्या बात है क्या बात है। देखो इधर 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 इधर, इधर मुझे काट, अरे ओए तू ज्यादा इस पे कलाबाजी मत कर। जो ब्रेक हैं वो थोड़ा सा कम लग रहे हैं क्योंकि वेट ज्यादा हो गया गाड़ी में फिलहाल। अरे काम करो, मैं पीछे बैठूंगा यार। गाइस ऐसे तो जो है ये एकदम मस्त चल रही है, कोई भी अरे स्टैंड की तो जरूरत ही नहीं है, हमारा कैमरा गिर गया गाइस। तो गाइस ऐसे तो जो है एकदम मस्त चल रही है, एक बंदा पीछे और मैं इसको चला भी रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अब जो है पीछे की सवारी में करना चाहता हूँ,
उधर हो जा, चलो 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 चलो, आराम से चलना, ज्यादा जोश में मत आ जाना यार। पीछे बैठ के पता ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा गाड़ी में बैठ गया, लेकिन आगे घोड़ा नहीं है, आगे जो है बाइक है। चलो 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 चलो। तो भाई साहब फिलहाल मैं बैठा हूँ हमारी इस गाड़ी के अंदर। क्या बात है, देखो इधर दो लोग आराम से जो है बैठे हुए हैं और इधर जो है वो गाड़ी चल रही है। देखो यार क्या मस्त लग रही है ये और पीछे बैठ के जो फील आ रहा है ना वो बिल्कुल जो है गाइस अलग सा ही आ रहा है एकदम। इधर तक ये नॉर्मल बाइक है, लेकिन जैसे ही गाइस ये घूमता है तब समझ में आता है कि यहाँ पर मामला जो है वो कुछ और ही चल रहा है। देखो एक बार आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो कि क्या चल रहा है भाई साहब यार इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये चीज इतना तगड़ा तरीके से काम करेगी। गाड़ी का मजा, लेकिन सब कुछ खुला खुला है। तो गाइस क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको चलाने में? बता बता, उधर नहीं हो ना। अरे दिक्कत आ गई गाइस यहाँ पे। गाइस मैं फिलहाल हमारी इस गाड़ी के अंदर जो है खड़ा हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हो ये जो है एकदम बिंदास जो है चल रही है और मजा आ रहा है कुल मिला करके। गाइस इधर देखो क्या मस्त नजारा दिख रहा है। इसको गाइस फव्वारा बोलते हैं। दूसरा आ रहा है, दूसरा आ रहा है। इसको नोजल बोलते हैं। इसको फव्वारा सिंचाई पद्धति बोलते हैं गाइस इसको। और इसको नई गाड़ी की पद्धति बोलते हैं गाइस। भाई साहब इस जुगाड़ के लिए लाइक करना जरूर से बनता है। आपको कुछ नया दिखाना चाह रहे थे, धीरे धीरे घुमाना। अब गाइस इसके घूमने की भी जो है टेस्टिंग हो जाएगी कि ये कैसे जो है टर्न लेती है। देख सकते हो आप लोग इतना जो है बड़ा, मतलब पूरा 90 डिग्रीज का टर्न था, लेकिन वो इसने एकदम बढ़िया से ले लिया है। थोड़ा स्लो लेना पड़ता है यार, पलट पलट जाए बिना बात आफत हो जाए। मजा आ रहा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को चेक करें क्या गाइस? इसमें दो चार लोग और बैठाते हैं, देखते हैं गाइस कितने लोग आ पाते हैं। सब लोग जो है इसमें बैठने की कोशिश करेंगे। आराम से आराम से आराम से। ये नन्ही सी जान है बाइक की। यहाँ पर अब बाइक के ऊपर भी लोड बढ़ जाएगा और साथ ही साथ में गाइस इस पूरी स्ट्रक्चर पे भी लोड बढ़ जाएगा क्योंकि अरे अरे पीछे बैठ यार। चलो मैं यहीं पे आ जाता हूँ। तीन लोग बाइक पे और यहाँ पर तीन लोग गाड़ी में। ये देखो और क्या सकते हैं इसमें, आराम से तीन चार लोग और भी बैठ सकते हैं गाइस। अभी तो चलने दो चलने दो चलने दो। चलो 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 चलो। ओए आराम से करना, थोड़ा ढलान है आगे। हाँ ब्रेक जो है ना, एक बार ब्रेक चेक करना एक बार। हाँ ठीक है ठीक है, लग रहा है गाइस, लग रहा है। अरे साइड दे दो बोलेरो को, बोलेरो को साइड दे दो। अरे ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो। ओए तू पीछे बैठ जा, इधर आ जा पीछे आ जा। हाँ वो ड्राइवर को दिक्कत हो रही है गाइस, अब ठीक है पीछे, क्योंकि तीन लोग तो यहाँ पे बैठ ही सकते हैं आराम से। अब ठीक है गाइस, मजा आ रहा है यार इस चीज के अंदर। अभी फिलहाल चार लोग गाड़ी के अंदर है, दो लोग बाइक के ऊपर है, तो आराम से जो है मस्त चल रही है, आप लोग देख ही सकते हो। और एक चीज स्टेबिलिटी देखो गाइस, देखो हाथ छोड़ के खड़ा हूँ मैं इस पे, कोई दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं आ रही है। ब्रेक मत मारो यार, देखो एकदम मस्त जो है हाथ छोड़ के यहाँ पर खड़े हुए। चलने दो चलने दो, इसको पकड़ो। ओए सब लोग इधर उधर मत हो ज्यादा, बैलेंस बिगड़ेगा। अरे ये डिग्गी कैसे खुल गई? डिग्गी खुल गई, डिग्गी बंद करो। अरे डिग्गी बंद करो। है? क्या टेढ़ी हो गई गाड़ी? टेढ़ी हो रही है गाड़ी। बस बस बस, रोके 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 रोके। तो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी है वो क्या मस्त चल रही है भाई। इतने लोगों को झेल लिया हम लोग, अभी फिलहाल 6 ही लोग थे जो गाड़ी में बैठ सकते थे कैमरामैन के अलावा, तो यहाँ पर 6 लोगों को बहुत इजीली मस्ती चला रही है। लेकिन गाइज आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये जो है कुछ रोड लीगल नहीं है, बाइक रोड लीगल है, बट ये जो गाड़ी है इसके पीछे छोड़ना इसका कुछ भी जो है नहीं है,
तो आप ऐसा कुछ ही मत बनाना। लेकिन गाइज ये तो आपको भी पता है कि हमने ये जो जुगाड़ बनाया है वो एकदम मस्त तरीके से काम करता है। और गाइज जब ऐसा कुछ होता है ना, जब इतना बढ़िया से चीज़ें काम करती है, तो हमको मिलती है दिल से खुशी कि हमने जो किया उसमें हमको मज़ा आया और साथ ही साथ में आपको भी ऑब्वियसली मज़ा आया ही होगा। तो गाइज अगर आपको मज़ा आया इस चीज़ के अंदर, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना यार। आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो, मज़ा भी आ जाता है, लेकिन यार वो लाइक दबाना भूल जाते हो, या पता नहीं जल्दीबाजी में होता है, या पता नहीं जल्दीबाजी में नहीं दबाते गाइज, सिर्फ जो आपको मतलब एक सेकंड के आधा सेकंड में नहीं लगेगा लाइक का बटन दबाने में। तो गाइज प्लीज़ जितने ज़्यादा हो सकता है लाइक ठोको, शेयर करो वीडियो को, ऐसी मस्त मस्त चीज़ें सबको दिखाओ यार गाइज। तो आज के लिए इतना ही वीडियो के अंदर, आई होप कि आपको मज़ा आया ही होगा, आज तो हमको इतना आया, ठीक है। वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। और क्या नया बनाना है नीचे कमेंट्स में डाल दो अगर आपके कुछ भी आइडियाज़ हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से 20 मिलियन। अरे कर दो यार गाइस।